उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में सीबीआई ने प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर को ही तहरीर बनाया है। ये एफआईआर अमन गिरी पवन महाराज ने दर्ज कराई थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई महंत से जुड़े 16 किरदारों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इनमें महंत के कथित उत्तराधिकारी बलवीर गिरी से लेकर उनके शिष्य आनंद गिरी तक का नाम शामिल है। साथ ही पुलिस के कुछ अफसर और कुछ नेता भी सीबीआई की जांच सूची में हैं। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास हुए हैं, जिनमें 545 पुरुष और 216 महिला शामिल हैं। सामान्य वर्ग से 263, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से 86, अन्य पिछड़ा वर्ग से 229, अनुसूचित जाति से 122, अनुसूचित जनजाति के 61 कैंडिडेट ने परीक्षा पास की है। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक बिहार के शुभम ने टॉप किया है। वहीं भोपाल में पढ़ाई करने वाली जागृति अवस्थी ने दूसरा स्थान पाया है। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए राज्य भर में स्कूल शुरू होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। वहीं कर्नाटक में पूरी क्षमता के साथ 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने का फैसला किया गया है। भारतीय वायुसेना को 56 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पेनिश कंपनी एयरबस डिफेंस स्पेस के साथ एक समझौता तय किया है, जो भारतीय वायुसेना के लिए इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा। 56 में से 40 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनी से ही किया जाएगा, जो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देगा। इस डील के तहत वायुसेना को C-295 एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जो अभी वायुसेना के एवरो एयरक्राफ्ट से बदला जाएगा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनावी मिशन शुरू हो गया है। आज से रोजगार गारंटी यात्रा निकलेगी। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के मुताबिक ये यात्रा नैनीताल विधानसभा से निकाली जाएगी। इस यात्रा को बेरोजगार युवा हरी झंडी दिखाएंगे। कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं। जातिगत जनगणना कराने से केंद्र की मनाही पर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस पिछड़ों से नफरत करती है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति गर्म है। एक ओर एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर भाजपा और जदयू आमने सामने हैं, तो दूसरी ओर विरोधी दल लगातार केंद्र सरकार को पिछड़ा विरोधी बताने में लगी है। हरियाणा के जिंद में आज INLD की महारैली होगी। बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की नींव रखने का दावा किया जा रहा है। जिंद की नई अनाज मंडी में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती मनाई जाएगी। ये आयोजन इनेलो हर साल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर करती रही है। रविवार को नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह की बैठक होगी। इन राज्यों के हालात की समीक्षा की जाएगी। बैठक के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है।